चलिए ऐसे ही एक नंबर ये रहा 50, 67, 86, 107, इससे आगे वाला नंबर आपको बताना है, मिसिंग टर्म आपको यहां पर बतानी है। देखिए अब क्या है, अब नंबर में हमें देखने से लग रहा है कि ना तो एकदम नंबर बहुत जल्दी ऊपर बढ़ रहे हैं ना ही बहुत जल्दी नंबर घट रहे हैं। ठीक है, अगर यहां से देखें तो मुझे यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि एक पैटर्न पर या तो प्लस चल रहा है या पीछे से देखूं तो एक पैटर्न पर माइनस चल रहा है। चलिए करके देख लेते हैं, कितना प्लस 17, यहां पे कितना प्लस 19, यहां पे कितना प्लस 86 प्लस 21, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कितना प्लस 23 प्लस करना है, 107 में 23 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 130। बस आपको क्वेश्चन देखना है, पहचानना है, यह देखना है कि अगर नंबर आसपास बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे 100 से 115 हो रहा है, फिर 140 हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, अगर 3 डिजिट में ही धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो आप पहले ट्राई कीजिए कि या तो प्लस है या माइनस है। लेकिन नंबर में अगर इस तरीके से है कि 1 डिजिट का नंबर है, फिर अगली बार वो 2 डिजिट में चला गया, अगली बार 3 में चला गया, अगली बार 4 में, फिर 5 में, अगर इस तरीके से नंबर इंक्रीज कर रहा है तो गारंटी वहां पर मल्टीप्लीकेशन है। और अगर 5 डिजिट से 4 पर आ रहा है, 4 से 3 पर, 3 से 2 पर, अगर इस तरीके से नंबर आ रहा है तो गारंटी से वहां पर क्या है, डिवीजन है।